नॉर्थ कोरिया। नाम सुनते ही जहन में सनकी तानाशाह किम जोंग उन की तस्वीर उभर कर आ जाती है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो भी इसी पर आधारित है। दोस्तों, आप सब देख रहे हैं चैनल अनबिलीवेबल फैक्ट्स, जिसमें आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया और वहाँ के सनकी तानाशाह किम जोंग उनके साथ जुड़े कुछ अजीब फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं किम जोंग उनके बारे में। किम जोंग उन को नॉर्थ का सबसे क्रूर तानाशाह माना जाता है। ये इसलिए कहा है, ने अपने चाचा को जिंदा ही 120 भूखे कुत्तों के सामने डालकर मरवा दिया था। इतना ही नहीं, किम ने एक बार अपने ही देश के रक्षा मंत्री को तोप से उड़वा दिया था। रक्षा मंत्री का कसूर बस इतना था कि उसने किम की मीटिंग के बीच एक छोटी सी झपकी ले ली थी, जिसके बदले में किम ने उसे हमेशा के लिए सुला दिया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के कुछ ऐसे कानून के बारे में जो कि आपको सुनने में ही बहुत अजीब लगेंगे और आप सोचने लगेंगे, अच्छा है आप नॉर्थ कोरिया में नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऐसे ही एक कानून में। इस कानून के अनुसार कोरिया के नागरिकों को जींस पहनने की अनुमति नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को इस कानून के तहत जींस पहनने की अनुमति नहीं है। यह कानून पुरुष और महिला पर लागू होता है। अगर कोई इस कानून को मानने से इनकार करता है या फिर कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। अब बात करते हैं और एक कानून के बारे में। तो दोस्तों, जुर्म तो हर देश में होता है और उस जुर्म की सजा भी जुर्म करने वाले को मिलती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नॉर्थ कोरिया का नागरिक अगर कोई जुर्म करता हुआ पाया जाता है और अगर नॉर्थ कोरिया के कानून के तहत उसका यह जुर्म साबित हो जाता है तो जुर्म करने वाले को तो सजा मिलती ही है, साथ में उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों को भी उस जुर्म की सजा भुगतनी पड़ती है जो कि उन्होंने किया ही नहीं। दोस्तों, अब नॉर्थ कोरिया के और एक कानून के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। नॉर्थ कोरिया के एक कानून के तहत प्योंगयांग शहर में सिर्फ कामयाब लोग और सरकारी नौकरी करने वाले लोग ही रह सकते हैं। कि लोगों को राजधानी प्योंगयांग शहर से बाहर रहना पड़ता है। तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के और एक अजीब कानून के बारे में बात करें तो इस कानून के तहत नॉर्थ कोरिया का कोई भी आम नागरिक कार नहीं खरीद सकता है। सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी करने वाले लोग और अमीर हस्तियां ही कार खरीद सकती है ना अजीब कानून। अब जरा सोचिए कि अगर ये कानून हमारे देश में लागू हो जाए तो क्या होगा। नॉर्थ कोरिया के अन्य कानून के बारे में बात करें तो अगर कोई कोरियावासी बाइबल पढ़ते हुए पकड़ा जाता है तो उसे इस कानून के तहत सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा मिलती है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में बाइबल पढ़ने पर पाबंदी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के उस कानून के बारे में जो कि चुनाव से जुड़ा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर कोरिया में भी चुनाव होता है। इस कानून के तहत हर 5 साल में उत्तर कोरिया के शासक का चुनाव होता है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस चुनाव में मात्र एक ही उम्मीदवार खड़ा होता है, जिसका नाम है किम जोंग उन। इस चुनाव में सभी नागरिकों को मतदान करना आवश्यक है। अगर कोई नागरिक मतदान नहीं करता है तो उसे इसकी सजा मिलती है।
अब हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के एक और कानून के बारे में, जो कि नॉर्थ कोरिया जाने वाले टूरिस्टों के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत नॉर्थ कोरिया जाने वाले किसी भी टूरिस्ट को अपना मोबाइल फोन, कैमरा ऐसी चीज़ें साथ में लेकर जाने पर पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट सिर्फ अपने गाइड की निगरानी में रहते हैं और टूरिस्टों को आम जनता के साथ बात करने नहीं दी जाती है। तो दोस्तों, है ना अजब देश का गजब कानून। अब जरा सोच कर देखिए कि यह कानून अगर हमारे देश में लागू हो जाए तो क्या हाल होगा हमारा और आपका। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों में यह वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के लिंक आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अनबिलीवेबल फैक्ट्स के साथ।